क्या नाम है बेटी तुम्हारा? अंकल जी ममता। क्या हुआ तुम्हारे को ये? अंकल जी बस कमरे में सफाई कर रही थी, अचानक से कुछ चीज मेरे आंखों पर आकर गिर गई। वो जख्म हो गया बेटा अभी तो क्या अंकल मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी? अरे बेटा कैसी बात कर रही है, ठीक हो जाएगी बेटा, ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन अभी तुमने जो ना आंखें रगड़ ली हैं इसलिए थोड़ा जख्म हो गया, उनको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं दवाई लिख देता हूँ, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है? ठीक है बेटा, आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दीपक आंखें ज्यादा रगड़ने की वजह से उनमें इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर साहब ममता ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ठीक तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से आंखों की रोशनी चली गई है और ठीक होने के चांस 80-20 माइलेज के हैं। आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा। अगर इसकी आंखें अगर ठीक नहीं हो पाए डॉक्टर साहब तो क्या मेरी आंख नहीं लग सकती? अरे नहीं नहीं दीपक, तुम्हारी आंखें तो खुद ही कमजोर है, तुम्हारी आंखें लगने का चांस नहीं है। फिर भी भगवान पे भरोसा रखो, मैं कुछ दवाई लिख के दे देता हूँ, इनका ट्रीटमेंट चलाओ, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। दीपक ये मैंने कुछ दवाई लिख दी है, इसमें आई ड्रॉप्स भी हैं और खाने की दवाई भी है, आप इनको बाजार से ले आओ। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मैं ममता को लेके जा सकता हूँ? नहीं अभी नहीं ले जा सकते, अभी मैंने उनकी आंखों में दवाई डलवाई है, उनको थोड़ी देर कुछ आराम करने दो जिससे उनकी आंखों की जलन कम हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये दवाई ले आओ तब तक। नेक्स्ट पेशेंट। माँ माँ आ गया बेटा? हाँ माँ आ गया। बेटा बहुत देर लगा दी। माँ डॉक्टर ने इसकी आंखों में दवाई गिर के थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बोल दिया था। फिर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात ना, दवाई ले होगी ठीक हो जाएगी। ठीक है तो इसने अंदर ले जाकर लिटा दे, और बेटी तू ठीक हो जाओगी जल्दी, चिंता मत कर, जा। ठीक है माँ, चल ममता। माँ। हाँ बेटा। एक बात करनी थी। बोल बेटा। ममता आप देख ना पावे। क्या? अरे तो नहीं तो कहा था वो ठीक है। वो तो उसके सामने बोल दिया था कतीवा घबरा जा। तो फिर क्या बताया बेटा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अब थोड़ी देर और पहले जल्दी से लिया था तो शायद हम कोशिश कर सकें थे। मतलब? मतलब 20% चांस है बचने के। यो के करा भगवान, पर यो ऐसे हुआ कैसे? डॉक्टर साहब ने ये कहा है इसने अपनी आंख ज्यादा रगड़ दी, आंख ज्यादा रगड़ने के कारण जो इसकी जो आंखों की नसें है ना वे मर गई। बेटा फिर क्या होगा? दिखाऊंगे माँ किसी अच्छे से डॉक्टर को। और अरे बेटा इसकी आंख ठीक ना हुई तो माँ इसे मैं अपनी आंख दूंगा। तू कैसी बात कर रहा है, अगर तू अपनी आंख उसे दे देगा तो तू कैसे दुनिया देखेगा? तो और माँ मैं क्या करूं? तो ये कोई इलाज नहीं है बेटा। तो माँ मैं उसे इस तरीके से देख नहीं सकता। पर मनीष मा? 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 हाँ बेटे। मा आना? आई। हाँ ममता मुझे बाथरूम जाना था। चल करवा के लाती हूँ। चप्पल पहन ले अपनी। हे भगवान कैसी किस्मत फूटी है,
करवाने तो चाहिए थे इसको मेरे काम, और मुझे करवाने पड़ रहे हैं इसके। बहू आ जा, हाथ धो ले। चल चल। लेट जा, ला तेरी दवाई कहाँ है आँखों की? माँ यही रखी थी। चल तू आराम कर ले और मैं घर का काम कर लूँ अब। ठीक है। हे भगवान, मेरी किस्मत में यही काम करना लिखा था क्या? लाई तो बहुत ही अपनी सेवा करवाने के लिए, और अब ये सारे घर का काम मुझे करना पड़ रहा है। अब ये कपड़े, ये भी मैं ही धोऊं। मुझे तो मनीष से बात करनी पड़ेगी। जिंदगी खराब होगी। इसकी सेवा भी करो, सारे काम करो। बेटी ममता, लेते दवाई खा ले, तेरे दवाई का टाइम होगा। ले। ममता, इस आग की दवाई से कुछ तेरे आराम हुआ? नहीं मम्मी जी, कुछ आराम नहीं लग रहा। फिर बेटे मनीष से कह के तेरा डॉक्टर बदली करवा दूं? देख लो मम्मी जी, बस थोड़ी सी जलन खत्म सी हो जाती है, और कुछ नहीं हो रहा। चल तू लौट जा। जलन? जलन तेरी कहाँ खत्म हो रही है, मेरी बढ़ती जाने लग रही है। ये जलन तो जब खत्म होगी, जब तू इस घर से निकल जाएगी। मम्मी जी, मैं तो किसी के साथ कुछ बुरा करा भी ना, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तेरे साथ बुरा? बुरा तो हमारे साथ हुआ है। मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर और मैं घर का काम कर लूँ। ठीक है मम्मी जी। एक ये बार बार गोबर करते रहे, और नू के काम चलेगा, नू तो मनीष की सारी जिंदगी खराब हो जाओगी। मैं तो बुलाऊंगी इसके बाप को। नू के काम चलेगा, सारा काम मैं ही करूंगी, और मनीष की जिंदगी खराब। दूसरा ब्याह करवाऊंगी मनीष का। नरक बन गई जिंदगी। करो सारा घर का काम, घर का काम भी करो, इसकी सेवा भी करो, इन भैंसों का भी करो, सबका करो। मनीष से आज बात करके रहूंगी मैं तो।
अरे कोई है क्या? राम राम जी। राम राम जी। आ जाओ अंदर आ जाओ। समधी जी आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जी। बेटी ममता। पिताजी, पिता, पिताजी, पिताजी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है पिताजी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी मैंने तो भूल कर भी किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं किया पिताजी, मेरे साथ ही क्यों हुआ पिताजी? मेरी बच्ची, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इस जन्म में तो मैंने भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है। नहीं पिताजी, चुप तेरे सामने पिताजी, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं करते। देख बेटा, मेरी आंखें इस काबिल तो नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे एक दुनिया दुनिया जरूर दिखाऊंगा। मैं तेरी आंखें जरूर बदलवाऊंगा बेटा, तू ये दुनिया फिर से देख पाएगी। पिताजी कोई उम्मीद नहीं है पिताजी। नहीं बेटा, कौन मुझे आके देगा पिताजी? पिताजी अब तो घर वाले भी मुझसे किनारा करने लगे, माँ जी भी मुझे यही चाहती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। अगर ऐसे चलता रहा पिताजी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं करते। समधी, मुझे पानी नहीं पीना। समधी जी हमारी भी क्या गलती है, हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया पर इसकी आंखें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। चौधरन, अगर तुमने किसी सही डॉक्टर को दिखाया होता ना तो आज इस बच्चे की ये हालत नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, मैं तुझे दुनिया दिखाऊंगा। समधी जी आपको क्या लगता है कि हमने इसको डॉक्टरों को नहीं दिखाया होगा? चौधरन, इसकी हालत से पता चल रहा है कि आपने इसे कैसे कैसे डॉक्टर को दिखाया है और कितना अच्छा इलाज कराया है। ले बेटा ममता, तू पानी पी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप कब आए? मैं अभी आया बेटा। बेटा मनीष। जी पिताजी। बच्चे की क्या हालत बना दी बेटा? पिताजी डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं। बेटा मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं और माँ दोनों मिलकर सेवा में लगे हुए हैं दोनों। बेटा वो तो देख रहा है कि तुम लोग इसकी कैसी सेवा कर रहे हो, अगर मैंने कुछ दिन और छोड़ दी तो ये घर ले जाने लायक भी नहीं रहेगी। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी भी डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। मैं तो अपनी आँखें देने के लिए भी तैयार था, डॉक्टर ने मेरी आँखें चेक करी हैं और वो बोल रहे हैं तेरे शुगर होने के कारण तेरी आँख नहीं लग सकती। पर आप पिताजी चिंता ना करो, हम इसका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, ये फिर से दुनिया देखेगी। तुम्हारी बात ठीक है मनीष, लेकिन मैं ममता को इस हालत में और नहीं छोड़ सकता। मैं ममता को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं खुद इसका इलाज कराऊंगा। आप ये कैसी बात कर रहे हो पिताजी, इसका इलाज कराना हमारा फर्ज है। ये कैसी बात कर रहा है तू, ये इनकी बेटी है और अगर ये इसको साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दे, इनके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी और क्या पता ये इसका इलाज करवा पाए। अच्छा ये कैसी बात कर रहे हो मातम, इसका इलाज ये नहीं हम कराएंगे। बेटा मनीष, देखिए आखिरी मौका है। ठीक है पिताजी, आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। बेटा ममता अपना ख्याल रखना है, मनीष तुम्हारा इलाज कराएगा। ठीक है? ठीक है पिताजी। चल बेटा मैं चलता हूँ, तू आराम कर, लेट जाओ। सास हेल्प करो। ठीक है मनीष, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। ममता का ख्याल रखना।
हाँ भाभी, अब बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? भैया देवेंद्र, मैं के बताऊँ, मैं तो इस बहु तक कति दुखी होली। लाई तो इस ननू थी, अब घर का काम करेगी, मेरी सेवा करेगी, और इस ढलती उम्र में इसकी सेवा मने करनी पड़ रही है। माँ जी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला के देना। शायद माँ जी घर पर नहीं है, घेर में काम करने गई होंगी, और मुझे इतनी तेज प्यास लग रही है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। सारे घर का काम पर तेईस की सेवा, मैं तो दुखी होली। भाई बहू तो देखो काम के लिए ही घर में आती है, लेकिन तंग क्यों आ गई ये तो बता दे, काम ना करती क्या वो? तेरे को ना पता, एक तो आखा तंदी हो रही, बता के काम कर रहा है घर का? अरे आंखों से अंधी हो गई बिल्कुल? हाँ। कब हुई? पता ना, सफाई कर रही थी एक दिन, वो आखा में वो चूहे मारन की दवाई रखी थी और वह गिर गई। डॉक्टर क्या कह रहे? डॉक्टर ने साफ मना कर दी, अब इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती, और जब ठीक होएंगी बहुत सारे पैसे लगे, लाखों रुपए मांगे, और हो और ना भी हो। हाँ खैर, आंखों में पैसा तो बहुत लगता है भाभी, अब क्या करना? करना के था, मैं तो इसने घर तो निकालूंगी और मनीष का दूसरा ब्याह करूंगी। पर भाभी एक बात बता, ये बुढ़िया घर में बैठी है, इसके होते हुए दूसरी कैसे आ सके है? तू इसकी चिंता मत कर, और अंधी अंधी थोड़ी ना है, इसके तो बालक भी ना हो, बांझ है। और इसने तो मैं घर तक निकालूंगी, तो अच्छी सी लड़की देख इसके लिए, और हम मनीष का दूसरा ब्याह करेंगे। लेकिन भाभी जी ये नामुमकिन है, जब तक ये घर में बैठी है दूसरा ब्याह कैसे हो सकता है? तू बता, एक बात बता, अगर मैं कोई लड़की ढूंढूं और वो कहने लगे कि भाई हम तो आज ही चल रहे देखने या कल चल रहे देखने, तब क्या होगा? तो इसकी चिंता मत कर, इसके बाप ने बुलाऊंगी और भेजूंगी इसके इसके घर। चल तो ठीक है, फिर देखता हूँ मैं कोई, लेकिन याद रखियो पहले इसे भेज फिर मैं लेके आऊंगा, ठीक है? बस यो ही चाहिए, कम तो कम घर तो संभाल लेगी अपना। चल ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है राम राम। क्या होया देखूं? अच्छा तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? नहीं माँ जी, मैं तो पानी पीने के लिए आई थी, मैं तो आपको आवाज भी लगाई पर आपने सुना ही नहीं। रहन दे, जितनी तू तेज है ना उतना मुझे पता है। सही कह रही हो माँ जी, सारा दोष मेरा ही है, और मेरे जीते जी तो मनीष जी शादी नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं? मुझे यही करना होगा, मुझे मरना ही होगा, तभी माँ जी खुश रह पाएंगी। अरे मनीष, अरे मैं वो आ रही थी ना उधर से, आप कहाँ जा रहे हो वैसे? बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा था रूबी, आप सुनाओ। अच्छा, आप कैसे यहाँ पे? मैं ठीक हूँ, मैं घूमने के लिए आई थी। मनीष मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बैठ के बात करें? चलो बैठते हैं, इधर बैठते हैं।
बोलो रूबी, क्या बात है? मनीष, मुझे पता चला है कि तुम्हारी वाइफ की आंखें चली गई, सुन के बड़ा दुख हुआ। क्या कर सकते हैं, बस जैसा ऊपर वाले को मंजूर होना तो वही है। मनीष, अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अगर आप कहो तो आज भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी बात कर रही हो रूबी? बीवी है वो मेरी, शादी हुई है उससे मेरी, इसके बावजूद भी तुम? मगर मनीष, उस अंधी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे? ये कैसी बात कर रही हो रूबी, यही बात तो घर पर माँ करती है और यही आप? अरे मनीष, मैं सही बात तो कर रही हूँ, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारी माँ सही तो कहती है। सोच लो मनीष, अभी भी टाइम है। रूबी, डॉक्टर ने बोला है 20% उम्मीद है, और मैं इसी 20% पर उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मनीष, अगर वो तुमसे प्यार करती होगी ना, तो वो भी तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत उसे मेरी है, तुम कहती हो मैं उसका साथ छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। अरे मनीष, सुनो तो मनीष। अरे मनीष, तुम समझते क्यों नहीं? मनीष, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, समझने की कोशिश तो करो, मुझे एक मौका तो दो। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, चाहे मुझे अपनी आंख देनी पड़े, लेकिन मैं उसका साथ जरूर दूंगा। एक बार फिर सोच लो मनीष, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। हाँ, सोच लिया। हाँ, जाओ मरो उसी अंधी के पास, भगवान ने जो किया तेरे साथ सही किया, तेरे साथ ऐसी होना चाहिए, तू भी अंधा हो जा। ममता, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना। पागल, ये क्या करने जा रहे तू हैं? तन्ने कभी ये भी सोचा तेरे बगैर मेरा क्या होगा हैं? आराम से, आराम से, आराम से। इधर बैठ। तन्ने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? तेरे पीछे मैं और माँ दोनों दिन रात लगे रहे हैं, पागल। और मैं क्या करती, इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं तेरे से कितना प्यार करूँ तू नहीं जानती हैं? मैं सब जानती हूँ, पर आज जो मेरे साथ हुआ। क्या हुआ? मुझे प्यास लगी थी तो मैं उठी, मैंने माजी को आवाज लगाई, माजी मेरी आवाज नहीं सुन पाई, तो मुझे खुद जाना पड़ा पानी के लिए, और जब मैं पानी पीकर आई तो क्या हुआ? माजी और नरेंद्र चाचा कमरे में बैठे थे और आपकी दूसरी शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मेरे जीते जी तो आप ये शादी नहीं कर सकते, पर मेरे मरने के बाद। तन्ने, ये सोच कैसे लिया कि मैं तुझे छोड़ के किसी दूसरे से शादी करूंगा? पर इसमें गलत भी क्या है, तुम कब तक गंधी के साथ अपना जीवन बिताओगे? डॉक्टर ने कहा है ना कि 20% चांस है, इस 20% को मैं 100% करके दिखाऊंगा। पता नहीं देवेंद्र का रिश्ता लेता होगा। चाचा आया था? हाँ आया था। मेरे रिश्ते की बात करने? हाँ ठीक है माँ, करवा दे मेरा रिश्ता। सही है बेटा, करवाना पड़ेगा। ममता बोझ होगी, कब तक ठाए ठाए फिरेंगे इसे हम? इसके बाप ने बुलाऊंगी और इसने भेज दूंगी इसके घर पे, और तेरा मैं बढ़िया ब्याह करवाऊंगी फिर।
तजा शर्म नहीं आई माँ? अगर उसकी जगह तू अंधी हो जाती तजा हम घर से बाहर फेंक देते। तेरे लिए तो सोचू थी माँ, तू ही तो ब्याह के लाई थी उसे देख के, अब तू क्या सोचा उसे के नाम घर से बाहर फेंक दे? तो बेटा ब्याह कर लाई थी तो जिंदगी भर बोझ बनानी है, उसकी हालत देख। माँ ये नहीं हो सकता, अगर मुझे कहीं तभी इसकी आंख लगवा के लानी पड़े या मुझे खुद की आंख देनी पड़े, मैं अपनी आंख देके रहूंगा उसे। बेटा तू इस बहू ने तो ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी, 20 दिन हुए हैं ब्याह ने और सारी की सारी उसकी बोली बोलन लग रहा है। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, मैं मर जाऊं, हे भगवान। अरे कुलक्षणी, जब तूने सारी बात सुन ली थी तो तू मरी क्यों नहीं? माँ जी मैं तो मरने के लिए गई थी पर मुझे मनीष जी ने बचा लिया। हाँ मनीष जी ने बचा लिया, सारी बात सुन के तूने उसे बताई है? मेरे ही बेटे को तू मुझसे दूर कर रही है। नहीं माँ जी मैं तो खुद नहीं चाहती, आप परेशान हो मेरी वजह से। अगर तू खुद नहीं चाहती ना तो चली जाती यहाँ से, समझ गई, या मर ही जाती। तू तो इंतजार कर रही थी ना कि वो आए और तेरे को बचाए। माँ जी इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो भगवान की मर्जी थी। भगवान का रोना मत रो, मेरे लड़के की जिंदगी खराब हो रही है और मैं नहीं चाहती मेरे लड़के की जिंदगी खराब हो। अपने बाप को बुला और चली जाए यहाँ से। नहीं माँ जी ऐसा मत करना, मेरे बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। और हम मर रहे हैं वो, मैं अपने लड़के को मार दूं? नहीं माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ तूने तो कुछ नहीं किया, तू इस घर में रह के मेरे ही लड़के को बहका रही है और मेरे लिए वो करवा रही है। और आज उसने मेरे को यहाँ तक कह दिया कि अगर तूने ममता को कुछ कहा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसको लेके। नहीं माँ जी सच में आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपने बाप को बुला और निकल हमारे घर से। नहीं माँ जी मनीष जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चला जाएगा वो इस घर से, जब तक तू इस घर में रहेगी ना वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। और अगर तुझे इतनी चिंता है ना तो तू चली जाए यहाँ से, वो बेचारा पूरा दिन ड्यूटी करता है वहाँ पे फिर आके तेरी सेवा करता है। ठीक है माँ जी, अगर आपको इसी में ही खुशी मिलेगी तो मैं पिताजी को फोन करके बोल दूंगी। हाँ हाथ जोड़ती हूँ तेरे से, हमारा पीछा छोड़ और इस घर से निकल जा। माँ जी मैं आपको कैसे समझाऊं? भाभी, भाभी, ताशी, ताशी जल्दी आओ। मासी, मासी, भाई मासी क्या हुआ? मासी, क्या हो गया? रुको रुको एक काम करते हैं, जल्दी से चाय पेपर लेट आते हैं। मासी, मासी, माजी, मासी उठो, मासी। भाभी क्या हुआ आपके? भाभी आपकी क्या हो गया? तुम मुझे छोड़, अंदर मोबाइल रखा होगा, मनीष जी को फोन कर। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। माजी, माजी क्या हुआ? माजी, साक्षी। हाँ हाँ क्या हुआ माजी को? हेलो। हाँ साक्षी बोल। भैया आप कहाँ पर हो? बेटा बाहर हूँ। आप जल्दी डॉक्टर को लेकर घर आ जाओ। क्या हुआ बेटा? मौसी सीढ़ियों पर से गिर गई। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, आप जल्दी से डॉक्टर को लेके आ जाओ। ठीक है बाबू, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ डॉक्टर को। हाँ जल्दी आ जाओ। ओके। भाभी मैंने भैया को बोल दिया है, वो डॉक्टर को लेके आते ही होंगे।
ठीक है साक्षी, पर माँ को तो देख क्या हुआ। अभी डॉक्टर को लेके आ रहे हैं ना, चिंता मत करो आप। माँ जी बोल क्यों नहीं रही साक्षी? क्या हुआ डॉक्टर साहब माँ को? मनीष जी, डॉक्टर साहब इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, इसी वजह से इनको पैरालाइज का अटैक आया। पैरालाइज? हाँ मनीष। डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी? अभी बेहतर घंटे तक कुछ नहीं कर सकते, पैरालाइज के अटैक में बेहतर घंटे तक मरीज को कुछ नहीं दिया जा सकता। हाँ इनका इलाज है लेकिन उसमें 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन तुम लोगों को इनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मी जी का बहुत ध्यान रखूंगी। ममता तुझे तो वैसे ही कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब कोई दवाई गोली फिलहाल के लिए? हाँ मनीष इनकी कुछ मैं दवाई दे देता हूँ, आप क्लिनिक से आके ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ध्यान रखना अपनी माँ। ओके डॉक्टर साहब। देखा माँ, जिस ममता को तुम अंधी होने का ताना मारो थी, आज वही तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। तुमने ममता के लिए बुरा सोचा माँ, तो देखो ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल यहीं भोग के जाना पड़ता है माँ। माँ तुम परेशान मत हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ जब आप इसे ममता को अंधी होने का ताना मारोती ना, तो यह कोने में छुप छुप कर रोती थी माँ, यह अपना दर्द तो किसी को सुना भी नहीं सकती माँ। ऊपर वाले ने आपको इसी की सजा दी है, पर तू चिंता ना करे माँ, हम दोनों मिलकर तेरी बहुत सेवा करेंगे, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ माँ आप परेशान मत हो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मुझे माफ कर दो माँ, अरे माँ जी ये क्या कर रही हो आप? अरे बेटा खाली बैठी थी, वो चाल लुई काट लुई है। माँ जी अब मैं आ गई हूँ, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपकी उम्र ये सब काम करने की। अरे बहू तू अभी तो आई है इस घर में, और देख तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी, और अभी से तूने सारा काम संभाल लिया, कुछ काम मुझे भी करने दिया कर। अरे माँ जी कैसी बात कर रही हो आप, अब मैं आ गई हूँ, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ये घर मेरा है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। कोई नहीं माई जी, लाओ मुझे दे दो। बहू आप जाके आराम करो बस। ये ले। हे भगवान मेरे तो भाग खुल गए, इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है कि बस बहू नहीं ये तो मेरी बेटी है। बेटी भगवान इसको सदा खुश रखना। तू बैठ यहाँ। ले बेटा पानी पानी पी। नहीं मैं जलन हो रही है आंखों में। बेटा ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं। अच्छा तू बता तेरा फोन कहाँ है? मैंने कमरे में रखा था। मैं अभी लेके आती हूँ। हे भगवान ये तो चूहे मारने की दवाई है, यही गिर गई बहू की आंखों में। फोन लेके जाती हूँ। ले बेटा फोन मिला मनीष को? माँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप मिला लो। बेटा मुझे मिलाना आता तो मैं मिला लेती। चल तू रुक मैं अभी किसी से मिलवा के लाती हूँ। माँ
माँ अजय, किसको बोलूं? शीला को बोलती हूँ। शीला, शीला, शीला। अरे दीदी आप क्या हुआ? दीदी कैसे घबरा रहे हो? तू वो सब छोड़, तो मनीष को फोन मिला। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। फोन तो कर। ये लो वो भाऊ। अरे हुआ क्या है बताओगे? ममता की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? ममता को हुआ क्या है? देखती हूँ जाकर। चाची हुआ क्या तेरे को? चाची मुझे को दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? तो भाई आँख खोल, दिखा आँख में क्या दिया। दिखा नहीं कर रहे। दिखा तो सही। आह नहीं। मनीष बेटा जल्दी से घर आ जा, वो ममता, ममता की आंखों में कुछ गिर गया। ठीक है बेटा जल्दी आ। मैंने सफाई करने गई थी, अचानक से मेरी आंखों में कुछ आगे गिर गया। ममता बेटे मैंने मनीष को फोन कर दिया, वो अभी आ रहा है। मनीष को छोड़ो, इसे डॉक्टर के लेके चलो। शीला पहले मनीष को आने दे। चल तो इसे उठवा और वहां चार पीपे लेके चल। उठ ममता बेटा। माँ जी कुछ करो ना, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। दीदी कब तक ऐसा रहेगा? इसको ले चलो ना डॉक्टर के, मेरे पे नहीं देखी जाएगी इसकी जलन। मैं कहाँ लेके जाऊँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन क्या कहाँ है। मनीष अभी आता ही होगा, वो लेके जाएगा इसे। क्या हुआ माँ? बेटे क्या बताऊँ, अंदर सफाई कर रही थी और वो चूहे मारने की दवाई ऊपर रखी थी और ये सफाई करते वक्त इसके आंखों में आके गिर गई वो। देखियो ममता क्या हुआ? दर्द हो रहा है माँ। चल खड़ी हो डॉक्टर के, चल खड़ी हो डॉक्टर के लेके चलो तुझे। ले जा मनीष। खड़ी हो, रोए मत ना, सब ठीक हो जाएगा। ले बहू चल। अच्छा दीदी मैं चलूँ, ठीक है? ठीक है, और जैसे ही बात हो मेरे को बता देना। ठीक है, ठीक है। हे भगवान, बहू ने ठीक कर दी, मारी लाज रख लिए। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? अंकल जी ममता। क्या हुआ तुम्हारे को ये? अंकल जी बस कमरे में सफाई कर रही थी, अचानक से कुछ चीज मेरे आंखों पर आकर गिर गई। वो जख्म हो गया बेटा अभी तो। तो क्या अंकल मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी? अरे बेटा कैसी बात कर रही है, ठीक हो जाएगी बेटा, ऐसा ही थोड़ा होता है। लेकिन अभी तुमने जो ना आंखें रगड़ ली है इसलिए थोड़ा जख्म हो गया, उनको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं दवाई लिख देता हूँ, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओ। ठीक है? ठीक है बेटा। आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दीपक आंखें ज्यादा रगड़ने की वजह से उनमें इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर साहब ममता ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ठीक तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से आंखों की रोशनी चली गई। वो ठीक होने के चांस 80-20 माइलेज के हैं, आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा। अगर इसकी आंखें अगर ठीक नहीं हो पाए डॉक्टर साहब तो क्या मेरी आंखें नहीं लग सकती? अरे नहीं नहीं दीपक, तुम्हारी आंखें तो खुद ही कमजोर है, तुम्हारी आंखें लगने का चांस नहीं है। फिर भी भगवान पे भरोसा रखो, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ,
इनका ट्रीटमेंट चलाओ, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। दीपक, ये मैंने कुछ दवाई लिख दी है, इसमें आई ड्रॉप्स भी है और खाने की दवाई भी है, आप इनको बाजार से ले आओ। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मैं ममता को लेके जा सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं ले जा सकते, अभी मैंने उनकी आंखों में दवाई डलवाई है, उनको थोड़ी देर कुछ आराम करने दो जिससे उनकी आंखों की जलन कम हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये दवाई ले आओ तब तक। नेक्स्ट पेशेंट। माँ, माँ आ गया बेटा? हाँ माँ आ गया। बेटा बहुत देर लगा दी। माँ, डॉक्टर ने इसकी आंखों में दवाई गिर के थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बोल दिया था। फिर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात ना, दवाई ले होगी ठीक हो जाएगी। ठीक है तो इसने अंदर ले जाकर लिटा दे, और बेटी तू ठीक हो जाओगी जल्दी, चिंता मत कर। जा। ठीक है माँ, चल ममता। माँ। हाँ बेटा। एक बात करनी थी। बोल बेटा। ममता आप देख ना पावे। क्या? अरे तो नहीं तो कहा था वो ठीक है। वो तो उसके सामने बोल दिया था कदी वह घबरा जा। तो फिर क्या बताया बेटा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अब थोड़ी देर और पहले जल्दी से लिया था तो शायद हम कोशिश कर सकें थे। मतलब 20% चांस है बचने के। यो के करा भगवान, पर यो ऐसे हुआ कैसे? डॉक्टर साहब ने ये कहा है इसने अपनी आंख ज्यादा रगड़ दी, आंख ज्यादा रगड़ने के कारण जो इसकी जो आंखों की नसें है ना वे मर गई। बेटा फिर क्या होगा? दिखाऊंगे मां किसी अच्छे से डॉक्टर को। और बेटा इसकी आंख ठीक ना हुई तो मां इसे मैं अपनी आंख दूंगा। तू कैसी बात कर रहा है? अगर तू अपनी आंख उसे दे देगा तो तू कैसे दुनिया देखेगा? तो और मां मैं क्या करूं? तो ये कोई इलाज नहीं है बेटा। तो मां मैं उसे इस तरीके से देख नहीं सकता। पर मनीष, बाथरूम जाना था। चल करवा के लाती हूँ। चप्पल पहन ले अपनी। हे भगवान, कैसी किस्मत फूटी है, करवाने तो चाहिए थे इसको मेरे काम और मुझे करवाने पड़ रहे इसके। बहू, आ जा हाथ धो ले। चल चल। लेट जा। ला तेरी दवाई कहाँ है आंखों की? माँ इसे रखी थी। चल तू आराम कर ले और मैं घर का काम कर लूँ अब। ठीक है। हे भगवान, मेरी किस्मत में यही काम करना लिखा था क्या? लाई तो बहुत ही अपनी सेवा करवाने के लिए और अब ये सारे घर का काम मुझे करना पड़ रहा है। अब ये कपड़े ये भी मैं ही धोऊं।
मुझे तो मनीष से बात करनी पड़ेगी। बेटी ममता लेते दवाई खा ले, तेरे दवाई का टाइम होगा। ले ममता, इस आग की दवाई से कुछ तेरे आराम हुआ? नहीं मम्मी जी, कुछ आराम नहीं लग रहा। फिर बेटे मनीष से कह के तेरा डॉक्टर बदली करवा दूं? देख लो मम्मी जी, बस थोड़ी सी जलन खत्म सी हो जाती है और कुछ नहीं हो रहा। चल तू लौट जा। मम्मी जी, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा करा भी ना, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तेरे साथ बुरा? बुरा तो हमारे साथ हुआ है। मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर और मैं घर का काम कर लूं। ठीक है मम्मी जी। एक ये बार बार गोबर करते रहे और नू के काम चलेगा, नू तो मनीष की सारी जिंदगी खराब हो जाओगी। मैं तो बुलाऊंगी इसके बाप को, नू के काम चलेगा, सारा काम मैं ही करूंगी और मनीष की जिंदगी खराब। दूसरा ब्याह करवाऊंगी मनीष का, नरक बन गई जिंदगी। करो सारा घर का काम, घर का काम भी करो, इसकी सेवा भी करो, इन बैसों का भी करो, सबका करो। मनीष से आज बात करके रहूंगी मैं तो। अरे कोई है क्या? राम राम जी। राम राम जी। आ जाओ अंदर आ जाओ। समधी जी आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जी। बेटी ममता। पिताजी, पिता बेटा जी, पिता जी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है पिताजी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी मैंने तो भूल कर भी किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं किया पिताजी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ पिताजी? मेरी बच्ची, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इस जन्म में तो मैंने भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है। नहीं पिताजी। चुप तेरे सामने। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पिताजी, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं करते। देख बेटा, मेरी आंखें इस काबिल तो नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ
कि मैं तुझे इतनी दुनिया जरूर दिखाऊंगा, मैं तेरी आंखें जरूर बदलवाऊंगा बेटा, तू ये दुनिया फिर से देख पाएगी। पिताजी कोई उम्मीद नहीं है पिताजी। नहीं बेटा, कौन मुझे आगे देखा पिताजी। अब तो घर वाले भी मुझसे किनारा करने लगे, माँ जी भी मुझे ये चाहती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। अगर ऐसे चलते रहा पिताजी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं करते। समधन जी मुझे पानी नहीं पीना। समधी जी हमारी भी क्या गलती है, हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया पर इसकी आंखें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। चौधरन, अगर तुमने किसी सही डॉक्टर को दिखाया होता ना तो आज इस बच्ची की ये हालत नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, मैं तुझे दुनिया दिखाऊंगा। समधी जी आपको क्या लगता है कि हमने इसको डॉक्टरों को नहीं दिखाया होगा? चौधरन, इसकी हालत से पता चल रहा है कि आपने इसे कैसे कैसे डॉक्टर को दिखाया है और कितना अच्छा इलाज कराया है। ले बेटा ममता, तू पानी पी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप कब आए? मैं अभी आया बेटा। बेटा मनीष। जी पिताजी। बच्ची की क्या हालत बना दी बेटा। पिताजी डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं। बेटा मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं और माँ दोनों मिलकर सेवा में लगे हुए हैं दोनों। बेटा वो तो देख रहा है कि तुम लोग इसकी कैसी सेवा कर रहे हो, अगर मैंने कुछ दिन और छोड़ दी तो ये घर ले जाने लायक भी नहीं रहेगी। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी भी डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, मैं तो अपनी आंखें देने के लिए भी तैयार था। डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक करी हैं और वो बोल रहे हैं तेरे शुगर होने के कारण तेरी आंख नहीं लग सकती, पर आप पिताजी चिंता ना करो, हम इसका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, ये फिर से दुनिया देखेगी। तुम्हारी बात ठीक है मनीष, लेकिन मैं ममता को इस हालत में और नहीं छोड़ सकता। मैं ममता को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं खुद इसका इलाज कराऊंगा। आप ये कैसी बात कर रहे हो पिताजी, इसका इलाज कराना हमारा फर्ज है। ये कैसी बात कर रहा है तू, ये इनकी बेटी है और अगर ये इसको साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दे, इनके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी और क्या पता ये इसका इलाज करवा पाए। अच्छा ये कैसी बात कर रहे हो मातम, इसका इलाज ये नहीं हम कराएंगे। बेटा मनीष देखिए आखिरी मौका है। ठीक है पिताजी, आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। बेटा ममता अपना ख्याल रखना है, मनीष तुम्हारा इलाज कराएगा। ठीक है पिताजी। चल बेटा मैं चलता हूँ, तू आराम कर। रेड जाओ। ठीक है मनीष, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। ममता का ख्याल रखना। Thank you.